देखिए प्रश्न संख्या, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या अपने साथ कंप्लीट थे, हम प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 8, तो देखिए प्रश्न संख्या 8, 8 प्रश्न संख्या 8 और 8, निम्न आंकड़ों से दो प्रतिगमन समीकरण ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों से दो प्रतिगमन समीकरण ज्ञात कीजिए। दो प्रतिगमन समीकरण ज्ञात कीजिए। अब आपको x की वैल्यू दे दी, तो x x दूसरी आपको दे दी क्या, y की वैल्यू। x की वैल्यू और आपको क्या दे दी, y की वैल्यू प्रश्न में दी हुई है। तो देखिए x की वैल्यू भी दी हुई है और अब y की वैल्यू भी। तो x की वैल्यू दे रखी है 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 और 14, ये आपको x की वैल्यू प्रश्न में दी हुई है। ऐसे ही y की वैल्यू भी प्रश्न में दी हुई है, 1, 2, 1, 2, 4, 4, 5, 7, 8, 7, 8 और 9, ठीक है। ये आपका प्रश्न संख्या 8 नंबर का प्रश्न है। 8 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है प्रतिपगमन समीकरण। क्या पूछा है, प्रतिपगमन समीकरण। क्या पूछा गया है, प्रतिपगमन समीकरण पूछा है आपके प्रश्न में, प्रतिपगमन समीकरण। प्रश्न संख्या 8, प्रतिपगमन समीकरण। देखिए प्रतिपगमन समीकरण किस प्रकार से, कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, तो देखिए यहां पर वो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, n n 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6 और 8, यहां सिग्मा x, यहां सिग्मा वाई, यहां एक्स बार सिग्मा एक्स बटा एन, यहां वाई बार सिग्मा वाई बटा एन, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लीजिए एक्स बार और वाई बार। तो देखिए आपका 1 + 3 + 4 + 6 + 8 + 9 + 11 + 14 = 56। तो देखिए ये आपका 56 में आप किसका भाग देंगे, 8 का भाग देंगे, 7 कितना आ गया, 7। यहां पर देखिए डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार और यहां पर आपका आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स, और एक्स बार आपका कितना है, यहां 7, माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 1, प्लस का 2। देखिए x ये वैल्यू और ये 7 है, घटाएंगे तो 9 में 7 गया तो प्लस का 2, ये प्लस का 1 ही बचेगा, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 7, इस 36, 16, 9, 1, 1, 4, 16 और 49, तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। देखिए 36 + 16 + 9 + 1 + 1 + 4 + 16 + 49 + 132, इसका टोटल करेंगे तो 1 + 2 + 4 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 + ये आपका 40, तो ये आपका 40 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपका आएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर dy
इक्वल टू वाई माइनस वाई बार, और वाई बार इक्वल टू आपका कितना आ गया 5। ये डी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा वाई, यहां पर आपका आ जाएगा डी एक्स और डी वाई, डी एक्स और डी वाई। यहां इसका टोटल सिग्मा डी एक्स डी वाई का टोटल, यहां सिग्मा डी स्क्वायर वाई का टोटल। ठीक, अब देखिए 5 माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस का 1 माइनस का 1 0 प्लस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 4। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 9 1 1 0 4 9 और आपका 16। तो देखिए 16 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 27 9 27 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 ये आ गया 56 56 आ गया। ठीक, अब डी एक्स डी वाई करेंगे, देखिए 56। अब ये जो डी वाई है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स से, डी एक्स इंटू डी वाई, तो माइनस के 6 और माइनस के 4 तो ये प्लस का हो जाएगा 24। माइनस के 4 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू प्लस का 12 है, माइनस के 3 इंटू ये प्लस का 3 ये प्लस का 1 ये 0 2 इंटू 2 4 प्लस का 4 3 इंटू 4 प्लस का 12 है, 4 इंटू 7 प्लस का 28। क्लियर हो गई बात। अब इसका क्या करेंगे टोटल करेंगे, तो 24 प्लस 12 प्लस 3 यह आपका आ गया 84। अब देखिए 84 आ गया। अब इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई। तो देखिए x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई और y माइनस वाई बार। देखिए एक दो प्रतिगमन समीकरण, एक समीकरण होगा x ऑन y, दूसरा होगा y ऑन x। तो आपका यहां पर आ जाएगा क्या y ऑन x, तो y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स और यहां x माइनस एक्स बार, ये आपका दूसरा प्रतिगमन समीकरण आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब देखिए यहां पर x, x बार की वैल्यू अपनी थी 7। ठीक है, अब बी एक्स वाई नहीं है, तो बी एक्स वाई के लिए मैंने बताया था बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा सिग्मा डी स्क्वायर वाई, और इधर आप निकालोगे क्या बी वाई एक्स, तो सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा सिग्मा डी स्क्वायर वाई। क्लियर हो गई बात। तो देखिए यहां पर ये टोटल है डी एक्स वाई 84 और ये है 56, ये 1.5 इक्वल टू 1.5, ये आपका है टोटल 84 और सिग्मा डी स्क्वायर वाई एक्स, यहां पर डी स्क्वायर एक्स आएगा x, और डी स्क्वायर एक्स आपके पास है 132। 84 डिवाइड 132 इक्वल टू ये आ गया 0.64। क्लियर। अब देखिए यहां पर बी एक्स वाई की टोटल वैल्यू आई 1.5, वाई माइनस वाई बार की वैल्यू आई आपकी 5। तो देखिए x माइनस 7 इक्वल टू 1.5 वाई माइनस 7.5, एक्स इक्वल टू 1.5 वाई माइनस 7.5 और ये उधर जाएगा तो प्लस का 7, तो एक्स इक्वल टू 1.5 वाई और ये माइनस का 0.5, तो एक प्रतिपगमन आपका समीकरण आ गया x बराबर। यहां पर ऐसे y ऑन x निकालेंगे तो y y बार आपकी कितनी है 5, बी वाई एक्स 0.64, एक्स माइनस एक्स बार 7। तो देखिए y माइनस 5 इक्वल टू 0.64 एक्स माइनस 0.64 इंटू 7 4.48
क्लियर। तो वाई बराबर 0.64x माइनस 4.48 प्लस का 5। तो देखिए वाई बराबर 0.64x और ये प्लस का 0.52। तो ये इस प्रकार से आपका ये प्रश्न संख्या कौन सा हल हो गया, 8 नंबर का प्रश्न हल हो गया। समीकरण आ रहा है x इक्वल टू 0.5 y इक्वल टू 0.64 0.52। क्लियर। तो ये आपका कौन सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 नंबर का आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। क्लियर। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 स्वयं हल करें, ठीक है। और हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे आपको आएगा, और प्रश्न संख्या 10 देखिए। 10 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है देखिए, दस नंबर का प्रश्न है और इसमें ये कह रहा है निम्न समंकों से x पर y, y पर x प्रतिपगमन गुणांक, प्रतिपगमन गुणांकों को ज्ञात कीजिए। को ज्ञात कीजिए यह सहसंबंध गुणांक भी ज्ञात कीजिए। वह सहसंबंध गुणांक भी ज्ञात कीजिए। सहसंबंध गुणांक भी क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहां पर अब आपको देखिए प्रश्न दे दिया x, x और y, 3, 2, -1, 6, 4, -2, 5। और यहां पे आपको y की वैल्यू दे दी 5, 13, 12, -1, 2, 20 और 0। ये आपका प्रश्न है। x और y दो वेरिएबल्स दे रखे हैं आपको, और आपसे पूछा है प्रश्न में कि x पर तो y और y पर x प्रतिपगमन गुणांकों को ज्ञात कीजिए, वैसे सहसंबंध गुणांक भी ज्ञात कीजिए। आपको गुणांक ज्ञात करने हैं इस प्रश्न में। गुणांक देखिए, सहसंबंध गुणांक और प्रतिपगमन गुणांक। जो प्रतिपगमन गुणांक होते हैं वो ये होते हैं, देखिए x ऑन y पर प्रतिपगमन गुणांक होता है ये सिग्मा dx dy बटा सिग्मा d स्क्वायर y, क्लियर। और आपका एक प्रतिपगमन गुणांक होगा byx इक्वल टू सिग्मा dx dy बटा सिग्मा d स्क्वायर x, क्लियर। और r आपका यहां पर होगा अंडर रूट bxy इंटू बीवाई एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, आर कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चले आगे।
अब देखो यहां पर यहां से प्रश्न का आंसर हल कर रहा हूं मैं यहीं से। देखिए क्या क्या हल करना पड़ेगा, डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, डी स्क्वायर एक्स, यहाँ पर डी वाई इक्वल टू वाई माइनस वाई बार, डी स्क्वायर वाई, और यहाँ आपका डी एक्स और डी वाई। क्लियर, ये आपकी यहाँ पर टेबल आपको तैयार करनी पड़ेगी प्रश्न संख्या 10 में। क्लियर, टेबल आपको ये तैयार करनी पड़ेगी प्रश्न संख्या 10 में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एन की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो दो दो चार दो छः सात, यहाँ सिग्मा एक्स, यहाँ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना आएगा, यहाँ सिग्मा वाई कितना आएगा, यहाँ सिग्मा डी स्क्वायर वाई कितना आएगा, यहाँ पे टोटल सिग्मा डी एक्स और डी वाई का। क्लियर, और एक इसमें आपको सबसे पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा, सिग्मा एक्स बटा एन, तो इधर आपको निकालना पड़ेगा वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई बटा एन। क्लियर, अब ये तो अब देखिए यहां पर टोटल करेंगे, थ्री प्लस टू प्लस, ये माइनस है तो घटेगा, प्लस सिक्स प्लस फोर माइनस टू प्लस फाइव सत्रह, तो ये आपका सत्रह डिवाइड बाई सात, टू पॉइंट फोर थ्री, 2.43 x बार की वैल्यू। यहां पर देखिए y बार की वैल्यू टोटल करेंगे, 5 प्लस 13 प्लस 12 प्लस माइनस 1 प्लस 2 प्लस 20, ये 51, 51 डिवाइड बाई 7, 7.29 7.29 आ गया। अब इसको घटाएंगे, ये आ गया 2.43, ये आपका आ गया 7.29। ठीक, तो ये 3 माइनस 2.43, ये प्लस का 0.57 माइनस का 0.43, देखिए माइनस का 1, ये 3 पॉइंट माइनस का 3.43, 6 माइनस 4 2.43, ये आ जाएगा प्लस का 3.57, ये आपका प्लस का 4 माइनस 2.43 1.57, देखिए ये आ जाएगा आपका 4.43 माइनस का, और 5 माइनस 2.43 ये प्लस का 2.57, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 0.57 इंटू 0.57 ये आ गया 0.32, 2 डिजिट में ले रहा हूँ मैं, 0.43 इंटू 0.43 ये आ गया 0.18, 3.43 इंटू 3.43 तो ये आ गया 11.76, 3.57 इंटू 3.57 12.74, 1.57 इंटू 1.57 तो ये आ गया आपका 2.46, 4.43 इंटू 4.43 ये आ गया 19.62, 2.57 इंटू 2.57 क्या आपका आ गया 6.6। अब इसका टोटल करो, 0.32 प्लस 0.18 प्लस 11.76 प्लस 12.74
प्लस 12.74, 2.46 प्लस 19.62 प्लस 6.60, 53.68, क्लियर। अब यहाँ आ जाइए तो देखिए 53.68 ये यहाँ पर टोटल 7, तो 5 माइनस 7.29 ये आ गया, माइनस का 2.29, प्लस का 13 माइनस 7.29 12.71 और ये आ जाएगा माइनस का 7.29। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए,8.29 × 8.29 68.72, 5.29 × 5.29 27.98, 12.71 × 12.71 161.54, 7.29 × 7.29 53.14 ये आपका टोटल। इसका भी हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। देखो पाँच पॉइंट चौबीस प्लस 32.60 प्लस 22.18 प्लस 68.72 प्लस 27.98 प्लस 161.54 53.14 क्या गया, 3071.4, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.29 × 0.57 ये माइनस का 13 1.31 0.43 × 5.71 या 2.46, ये भी माइनस का 2.46। अब देखिए 4.71 × 3.43 ये आ गया माइनस का 16.16, 8.29 × 3.57 29.60, ये आपका माइनस का 29.60, फिर है 1.57 × 5.29 ये आ गया 8.31, माइनस का 8.31 और 4.43 × 12.71 ये आ गया 56.31 और 7.29 × 2.57
ये आ गया माइनस का 18.74, ये आपका माइनस की वैल्यू भी आई है इसमें सभी। अब देखिए इसका टोटल 1.31 प्लस 2.46 प्लस 16.16 प्लस 29.60, 8.31, 56.31, 18.74, 132.89, ये आपका इसका टोटल आ गया 132.89। अब इसमें पूछा है एक्स वाई वाई एक्स पर प्रतिगमन गुणांकों को याद कीजिए, तो एक्स एक्स ऑन वाई पर तो ये आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा वाई ऑन एक्स पर प्रतिगमन गुणांक। तो इसका देखिए टोटल आपके पास है 132.89 बटा सिग्मा डी स्क्वायर वाई 371.4, 371.4 भाग 371.4, ये आ गया 0.36, ये आ गया 0.36, और ये माइनस का 0.36, ठीक है। इधर आ जाइए, इसका टोटल है 132.89 बटा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स और सिग्मा डी स्क्वायर 53.68। तो ये भी माइनस का आएगा 132.89 भाग 53.68, 2.48, ठीक है। तो ये आपका बी एक्स वाई गुणांक हो गया, कहने का मतलब प्रतिगमन गुणांक, कौन सा प्रतिगमन, बी एक्स वाई एक तो, और दूसरा बी वाई एक्स प्रतिगमन गुणांक हो गया। जब भी गुणांक की बात करें तो ये आपको निकालना है, एक तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, और दोनों प्रतिगमन गुणांकों को हम मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, सहसंबंध आ जाएगा। तो देखिए सहसंबंध आर इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो ये अंडर रूट माइनस का 0.36 इंटू माइनस का 2.48 प्लस हो जाएगा, तो माइनस का आंसर आएगा 0.36 इंटू 2.48, और इसका अंडर रूट 0.94 ये आपका क्या आएगा, सहसंबंध गुणांक आएगा। तो देखिए ये आपका प्रश्न संख्या 10 आपका कंप्लीट है, प्रश्न संख्या 10 क्लियर, प्रश्न संख्या 10 आपका यहां पर कंप्लीट है। ये प्रश्न संख्या 11 व 12 स्वयं हल करें, आपको ही हल करना है प्रश्न संख्या 11 और 12 नंबर का प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 और 12। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 की।
निम्नलिखित समंकों से प्रतिपगमन गुणांक व सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। निम्नलिखित समंकों से प्रतिपगमन गुणांक व सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। एक्स वेरिएबल है, बाईस और आपका है 24। और वाई वेरिएबल दे रखा है, और वाई वेरिएबल है अस्सी और सत्तर। ये आपका वाई वेरिएबल है। प्रश्न संख्या 13।